देश आज अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। सभी जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आन बान शान के साथ फहराया गया। जिले का स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। बिहार के वित्त वाणिज्य मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मंत्री ने मैदान में मार्च पास्ट करते हुए परेड का निरीक्षण किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्णिया जिला देश के सबसे पुराने जिले में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के कई वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई थी। यह जिला सामरिक दृष्टिकोण से कई मायनों में खास है। काफ़ी तेजी से जिले का विकास हो रहा है। इस मौके पर सांसद संतोष कुशवाहा, सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी, आयुक्त मनोज कुमार, IG सुरेश चौधरी, DM कुंदन कुमार, SP आमिर जावेद, सदर SDO राकेश रमन समेत तमाम अधिकारी सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। अरे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पूर्णिया वासियों को शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं, और हमारी यही कामना है बिहार सरकार की तरफ से कि जैसे पूरे देश में बिहार के तरक्की का डंका बज रहा है, वैसे ही बिहार में भी पूर्णिया तरक्की की रफ्तार में तेज चले, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और पूर्णिया का स्वतंत्रता संग्राम के समय से अपना अलग इतिहास रहा है और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी देन है आज़ादी की लड़ाई में। इसलिए हम विशेष रूप से पूरे बिहार वासियों और देशवासियों के तरफ से भी पूर्णिया वासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ कितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु, बैद्यनाथ चौधरी, भोला शास्त्री, कमिल देव नारायण सिंह जी, कितने बड़े बड़े सेनानी हुए। उन सब लोगों की कुर्बानी में, उन सब लोगों की आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा हुए योगदान ने पूरे बिहार और देश को रास्ता दिखाया है। इसलिए पूर्णिया वासियों को सलाम है, शुभकामनाएं।